दोस्तों, हम लोग हर रोज कितने ड्रामे और फिल्में देखकर अपना टाइम जाया करते हैं और इनमें से हमें कोई भी सबक नहीं मिलता, बल्कि उल्टा गुनाह कमा लेते हैं और उनका सच्चाई से भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है। बहरहाल, आज हम आपको तुर्की की 3 ऐसी इस्लामी उर्दू में कन्वर्ट की हुई फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसे देखने से एक तो आपका टाइम जाया नहीं होगा, दूसरा आपको इस्लामिक हिस्ट्री का भी पता चल जाएगा और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो बिना टाइम जाया किए करते हैं गेम स्टार्ट। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है मलाजगीरत। जी हाँ, इस मूवी में सुल्तान मलिक शाह के बाप सुल्तान अलप अरसलान की आखिरी जंग का सारा हाल दिखाया गया है और इसमें जिसने सुल्तान अलप अरसलान का किरदार अदा किया है वो है तुर्गत बे, जिसे इर्तुगरुल के ड्रामे में नूरगुल के नाम से भी जाना जाता है। इस मूवी में उस जंग का हाल दिखाया जाता है जिसे सलजोकों की तारीख में सबसे बड़ी जंग का दर्जा हासिल है। यह जंग बाजंतीन और सलजोक सल्तनत की फैसला कुन जंग थी। इस जंग में सुल्तान मलिक शाह, जो कि सुल्तान के बाद तख्त नशीन हुए, उनके साथ ही निजामुल मुल्क ने बड़ी महारत से जंग लड़ी थी। इस जंग में ईसाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यह जंग हारने के बाद बाजंतीनी सल्तनत जीवाल का शिकार हो गई और कहा जाता है कि सलेबी जंगों की वजह भी यही जंग बनी थी। मलाजगीरत के नतीजे में अनातोलिया हमेशा के लिए बाजंतीनियों के हाथों से निकल गया। अगर इस मूवी के सीन्स की बात की जाए तो अब तक इस्लामी जितने भी फिल्म्स बनी हैं, उन सबसे ज्यादा हैरान कुन सीन इसमें ऐड किए गए हैं। इस जंग की वजह ये थी कि ईसाइयों का किला मुसलमानों के इलाके करीब होने की वजह से वो हर वक्त मुसलमानों पर हमला करते थे और बहुत सारे मुसलमानों को शहीद भी कर देते थे। एक दफा मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे तो ईसाइयों ने जाकर सबको शहीद कर दिया। बस इसी वजह से ये जंग पेश आई जिसमें मुसलमानों को अल्लाह पाक ने फतह नसीब फरमाई। इस जंग के कुछ दिन बाद सुल्तान अलप अरसलान सिर्फ 42 साल की उम्र में वफात पा गए थे। और दूसरे नंबर पर है सुल्तान मोहम्मद फातेह। जी हाँ, इस फिल्म में सल्तनत उस्मानिया के 7वें बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह की जंगों में से एक अहम और सबसे बड़ी जंग दिखाई गई है, जिसमें दिखाया जाता है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कैसे कामयाबी पाने के लिए दिन रात मेहनत की। सुल्तान मोहम्मद फातेह बचपन में ही 11 साल की उम्र में बादशाह बने थे, लेकिन संभाल लिया था। जब उनकी वफात हुई तो सुल्तान मोहम्मद फातेह को वापस बुलाकर फिर से उसे बादशाह बना दिया जाता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह का सिर्फ एक ही ख्वाब होता है, बस कुस्तुनतुनिया को फतह करना, जिसकी फतह की बशारत उन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आकर देते हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह 40 दिन मुहासरा जारी रखते हैं, जिसमें उन्हें 2 बार शिकस्त भी मिलती है और काफी बड़ी तादाद में नुकसान उठाना पड़ता है। फिर आप अपने कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से लश्कर में इंतशार फैलने लगता है, जिसे उनके सबसे बड़े साथी मोहम्मद हसन बड़ी हिम्मत से रोकते हैं। बहरहाल, वहाँ पर एक अल्लाह के वली तशरीफ लाते हैं जो उन्हें काफी मोटिवेट करते हैं। हाजी काफले को न सिर्फ लूटा बल्कि शहीद भी कर दिया और इसमें जलील किस्म के आदमी ने, जो ईसाई फौज का बड़ा था, उसने एक हाजी को कहा, अस्तग़फिरुल्लाह, के अब कहाँ है तुम्हारा नबी, बुलाओ उसको अपनी मदद के लिए। बस जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंची तो उसने दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक, मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अपने प्यारे नबी के इस दुश्मन को मार ना दूं। बस उसके बाद आपने बैतुल मुकद्दस का सफर शुरू कर दिया और अनकरीब जंग करने के बाद ये फतह नसीब होती है। इसमें और भी बड़े बड़े सीन हैं कि कैसे सलाहुद्दीन अयूबी सबको माफ कर देता है, लेकिन उसी को जिसने गाली दी थी कत्ल कर देता है। बहरहाल, अगर आपके पास टाइम हो आपने ये मूवी जरूर देखनी है कि कैसे बैतुल मुकद्दस फतह हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।